नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम तीन चीजें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करते हैं यूपीएससी सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उन पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है, देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू से लिया है और ये 10 अगस्त को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है बैलेंसिंग प्रायोरिटीज, और ये कहता है कि विकास तो बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। तो आइए आप देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो ये डायरेक्टली लिंक होता है जीएस पेपर 1 के साथ, जहाँ की ज्योग्राफी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है सिलेबस का, क्योंकि इस एडिटोरियल में बात की गई है लैंडस्लिप्स की, जिसे हिंदी में भूस्खलन भी कहते हैं। और साथ ही साथ ये लिंक होता है जीएस पेपर 3 के साथ भी, जहाँ की एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट सिलेबस के इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं। तो सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करने के बाद आइए आप देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल के की पॉइंट्स में जाने से पहले आइए समझते हैं कि बात क्या है। तो कुछ दिन पहले केरल के इडुक्की जिले में काफ़ी ज़्यादा वर्षा हुई, और उसके द्वारा एक टी स्टेट में भूस्खलन के कारण, जिसे लैंडस्लिप कहते हैं अंग्रेजी में, तो इसके कारण काफ़ी सारे जो टी स्टेट के वर्कर्स थे उनके जो घर बने हुए थे वहाँ, वो उस लैंडस्लाइड में दब गए और उससे कई लोगों की जान चली गई। और केरल पिछले कई दिनों से काफ़ी तेज वर्षा का सामना कर रहा है, और ये घटना जहां हुई है जिस टी स्टेट में, उसी के पास एक एराविकुलम नेशनल पार्क भी स्थित है। और ये नेशनल पार्क काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहां कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं जानवरों की और पौधों की, जो कि अपने आप में काफी यूनिक है। जैसे कि यहां काफी संख्या में नीलगिरी थार पाए जाते हैं, जो कि एक इनडेंजर्ड स्पीशी है माउंटेन गोट की, यानी कि पहाड़ी बकरी। और नीलगिरी थार का जो IUCN स्टेटस है वो है इंडेंजर्ड, और इसे इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट जो कि 1972 का है, इसमें शेड्यूल 1 में रखा गया है, तो काफ़ी प्रोटेक्टेड स्पीशीज है। इसके अलावा एराविकुलम नेशनल पार्क प्रसिद्ध है नील कुरिंजी फ्लावर्स के लिए भी, और नील कुरिंजी के बारे में खास बात यह है कि इनमें फ्लावर्स आते हैं 12 साल में एक बार। तो ये दोनों ही फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये हमें जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं नीलगिरी थार और नीलकुरंजी फ्लावरिंग को। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि जो एराविकुलम नेशनल पार्क है, इसके अंदर ही अनामुड़ी जो कि हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया में, वो भी स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर्स। तो ये कुछ फैक्ट्स हमें एराविकुलम नेशनल पार्क के बारे में पता होने चाहिए। अब आइए देखते हैं कि लैंडस्लाइड होती क्या है। तो लैंडस्लाइड बेसिकली एक मूवमेंट है कि जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो धरती है वो ग्रेविटी के प्रभाव में नीचे की तरफ आती है, और ये एक जियोमॉर्फिक प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी डाउन स्लोप मूवमेंट होता है सॉइल का, रॉक का, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में, तो उसे कहा जाता है लैंडस्लाइड। और इसके जो प्रमुख कारण है वो है कि जो धीरे धीरे वेदरिंग होती रहती है रॉक्स की, उनका टूटना बिखरना, और सॉइल इरोजन एक महत्वपूर्ण कारण है, और कभी कभी ये अर्थक्वेक और वोल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा भी होते हैं। अभी केरल में जो हुआ है उसका प्रमुख कारण सॉइल इरोजन है, जिसकी एक मुख्य वजह रही है वहाँ भारी मात्रा में बारिश का होना, जिसकी वजह से जो लैंड था उसमें नमी थी और सॉइल इरोजन के चलते वो नीचे आ गया। और अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो एशिया में सबसे ज़्यादा मामले होते हैं लैंडस्लाइड्स के, और एशिया के अंदर भी देखा जाए तो साउथ एशियन नेशंस सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं इस लैंडस्लिप और लैंडस्लाइड्स की प्रॉब्लम से। और अगर इस साल की बात भी की जाए तो करीब करीब 900 से ऊपर लोगों की जान गई है 16 से ज़्यादा स्टेट्स में भारत में लैंडस्लिप्स के द्वारा। और जैसे जैसे अब क्लाइमेट चेंज एक नया नॉर्मल स्थापित कर रहा है, तो इससे लैंडस्लिप वाली घटनाएं भी बढ़ रही हैं, और इससे होने वाले जान और माल का नुकसान भी बढ़ता जा रहा है। तो इस बैकग्राउंड के बाद आइए अब देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल बताता है कि IMD के द्वारा तो फोरकास्ट किया गया था एक अच्छे और नॉर्मल मानसून का, लेकिन इसमें ये बात ध्यान देने वाली है कि आजकल नॉर्मल जैसा कुछ नहीं रह गया है। और नॉर्मल मानसून के अंदर भी हम देखते हैं कि
बहुत तेज बारिश वाला भी पीरियड आता है और उसके बाद एक ड्राई स्पेल भी रहता है, तो नॉर्मल को नॉर्मल समझना भी सही नहीं है। और एडिटोरियल बताता है कि इस साल भी जो एनुअल फ्लड्स देखे गए हैं, खासतौर से ब्रह्मपुत्र वैली में, और उसके बाद जो भीषण वर्षा देखी गई है कोंकण कोस्ट में, मुंबई में और अब केरला में, तो उससे ये पता चलता है कि जो नॉर्मल मानसून है वो इतना भी नॉर्मल नहीं है। और इसी के चलते जो लैंडस्लिप हुई है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में केरल में, उससे अभी तक के अनुमान से 43 लाइफ्स का नुकसान हुआ है, कई सारे लोग बेघर हो गए हैं। और एडिटोरियल ये भी बताता है कि केरल की ही अगर बात की जाए तो जो केरल के डिस्ट्रिक्ट्स में आमतौर से वर्षा होती है उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा वर्षा हुई है इस दौरान। और इसी तरीके से पिछले साल जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है वायनाड की, उसमें भी कई सारे घर इस तरीके से तबाह हो गए थे जब बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हुई थी। और तब भी बात हुई थी कि एक नया मॉडल ऑफ डेवलपमेंट होना चाहिए जो कि एनवायरमेंट की भी सुरक्षा करे। आगे एडिटोरियल में बताया गया है कि जो लैंडस्लिप्स और लैंडस्लाइड्स की घटनाएं हैं खासतौर से वेस्टर्न घाट्स में, उनका एक लंबा इतिहास रहा है। और 2018 के भीषण केरल फ्लड के बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बताया था कि 1961 से 2013 के बीच में केरल में 67 बार ऐसा हुआ है कि मेजर लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि केरल में लगातार ऐसी लैंडस्लिप की घटनाएं होती आ रही हैं। और जियोलॉजिकल सर्वे का एक प्रोग्राम है जिसके बारे में एडिटोरियल में बताया गया है, जिसका नाम है नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग प्रोग्राम NLSM। और इसके द्वारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कई सारे स्टेट्स जो कि वेस्टर्न घाट्स में हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड, ऐसे स्टेट जो कि लैंडस्लाइड प्रोन हैं, उनके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां की लैंडस्लाइड होने की संभावना अधिक है उसकी मैपिंग की है। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 13,000 स्क्वायर किलोमीटर्स को अभी तक मैप कर लिया गया है और करीब करीब 6,000 किलोमीटर को इस साल 2019-20 में कवर किया जाना था, जो कि COVID-19 पैंडेमिक के चलते काम में बाधा आई है। और अगर केरल की ही बात की जाए तो केरल में कुल मिला के 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें से 13 डिस्ट्रिक्ट लैंडस्लाइड प्रभावित डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और केरल की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि केरल में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, करीब 800 से ज़्यादा लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। और अगर इसको बाकी स्टेट्स जो कि लैंडस्लाइड प्रोन है उनसे तुलना की जाए तो केरल का आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है। और इसीलिए केरल में कोई भी लैंडस्लाइड की घटना होती है तो लोगों की जान जाने का खतरा उतना ज़्यादा बढ़ता है। आगे एडिटोरियल में बताया गया है कि जो NLSM के मैप्स हैं, इसके द्वारा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को ये सुविधा होती है कि वो अपने जोनिंग लॉज में जो रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड है उसको भी इनकॉर्पोरेट कर सकें। और यहाँ हमें पता होना चाहिए कि जोनिंग लॉज क्या होते हैं। तो जोनिंग लॉज से मतलब है कि आप लैंड यूज़ को डिफाइन करते हैं, किस जोन में लैंड का किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम किसी नेचुरल डिज़ास्टर प्रोन एरिया की जोन मैपिंग करते हैं, तो वहाँ हम ये ध्यान रख सकते हैं कि किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है ऐसे एरिया में जहाँ प्राकृतिक आपदा की गुंजाइश है। लेकिन एडिटोरियल बताता है कि जैसा कि देखा गया है अर्थक्वेक जोनेशन मैप्स के बारे में भी, कि ये सब जोनिंग या जोनेशन मैप्स तो बनाए जाते हैं लेकिन इन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन सही स्पिरिट में नहीं होता है, और जिसकी वजह से दिक्कतें और बढ़ती हैं जब कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर स्ट्राइक करता है। और ये कोई केरला की ही बात नहीं है, ये करीब करीब भारत के हर राज्य में ऐसी ही हालत है कि कानून तो है लेकिन उनका कड़ाई से पालन नहीं होता है। और आगे एडिटोरियल बताता है कि अब ये डिबेट का मुद्दा नहीं रह गया है कि भारत एक नए क्लाइमेट नॉर्मल को फेस कर रहा है, यानी कि अब जलवायु परिवर्तन एक बहस का मुद्दा नहीं है या उसको लेकर कोई शक वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल हो रहा है और इसके द्वारा जो परिणाम है वो भी अब साफ साफ देखे जा सकते हैं, जैसे कि भारी मात्रा में बारिश का होना एक शॉर्ट टाइम पीरियड में, और साथ ही हम देखते हैं कि लंबे लंबे ड्राई स्पेल जबकि बारिश बिल्कुल नहीं होती है, और इसकी वजह से जो प्राकृतिक आपदा है उसके खतरे और ज़्यादा बढ़ गए हैं। और अगर केरल की बात की जाए तो केरल की जो टोपोग्राफी है उसकी स्टडी से भी ये पता चला है कि जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि माइनिंग है, क्वारिंग है, जैसे कि पहाड़ों में खनन, तो उसके द्वारा जो अनसाइंटिफिक कटिंग हो रही है स्लोप्स की पहाड़ों में, उसके द्वारा जो सॉइल इरोजन का खतरा है ये और भी ज़्यादा बढ़ जाता है।
और डिफॉरेस्टेशन तो लगातार हो ही रहा है, जिसकी वजह से भी सॉइल लूज हो जाती है। और ऐसे में जब भारी वर्षा होती है तो ऐसे में ये जो गीली मिट्टी होती है ये लैंडस्लिप का रूप ले लेती है। आगे एडिटोरियल बताता है कि कुछ पॉलिसी रिस्पॉन्स इसके लिए सोचे जाने चाहिए सरकार की तरफ से। तो सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एपरेटस है उसको ऑपरेशनलाइज किया जाए। किसी भी ऐसे इंसिडेंट के होते ही उसे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा, जो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है उसके लिए फंड्स का एलोकेशन होना चाहिए। तीसरा, जो रेगुलेशंस और जोनिंग लॉज हैं जो कि एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए हैं और लोगों की प्रोटेक्शन के लिए भी हैं, उनका सही स्पिरिट में इन्फोर्समेंट करवाना चाहिए। और चौथा, जो स्लोप्स वगैरह हैं हिली टेरेन में और जहाँ डेवलपमेंट के लिए कुछ कटिंग जरूरी है, तो वहाँ बिल्कुल ये प्रोविजन किया जाना चाहिए कि अगर भारी बारिश होती है तो पानी को निकलने का रास्ता होना चाहिए कि जिससे पानी का ठहराव ना हो और उसके द्वारा कोई लैंडस्लिप की घटना ना हो जाए। और जब ऐसे कानून या ऐसे नियमों का पालन नहीं होता है तो जो नेचुरल हैजर्ड्स हैं उससे काफ़ी ज़्यादा संख्या में अवॉइडेबल कैजुअलिटीज़ बढ़ती हैं, यानी कि ऐसी मौतें बढ़ जाती हैं जो कि आसानी से रोकी जा सकती थी। तो यहाँ सरकार को सजग होने की आवश्यकता है। और अंत में एडिटोरियल कहता है कि अगर पर्यावरण को विकास के साथ नहीं रख के देखा जाएगा और सिर्फ पूरा ध्यान सिर्फ विकास की ओर लगाया जाएगा तो इसका भारी खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि सरकार और आम लोग भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाएं और विकास ऐसे किया जाना चाहिए जिसमें पर्यावरण की भी सुरक्षा निहित हो। तो ये सब था एडिटोरियल के की पॉइंट्स में। अब आइए देखते हैं कुछ की कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले देखते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसको सेटअप किया गया था 1851 में और इसका पर्पज उस समय था कि कोल डिपॉजिट्स को फाइंड किया जाए। अभी जो मेन फंक्शन है जीएसआई का वो ये है कि मिनरल रिसोर्स का असेसमेंट करे, कितने मिनरल रिसोर्स कहाँ कहाँ हैं, और एक जियो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो है इनके बारे में उसको एकत्रित किया जाए और उसको अपडेट किया जाए लगातार। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और इसके 6 रीजनल ऑफिसेज भी हैं जो कि लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग और कोलकाता में हैं। और अभी फिलहाल जीएसआई या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक अटैच्ड ऑफिस की तरह काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत। अब देखते हैं नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग प्रोग्राम NLSM। तो इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था जीएसआई के द्वारा 2014 में और इसका मुख्य उद्देश्य है कि 0.42 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो कि लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है भारत में उसकी मैपिंग की जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिक है जो हम याद रख सकते हैं कि भारत में जो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है वो है टोटल 0.42 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये आप अपने आंसर्स में भी यूज कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम का भी जो ऑब्जेक्टिव है वो है मैपिंग करना ऐसे लैंडस्लाइड प्रोन एरिया की और एक नेशन वाइड रिपोजिटरी बनाना इसके ऊपर। तो इस मैप में हम देख सकते हैं मेजर लैंडस्लाइड प्रोन एरिया भारत का जो कि कुल मिला के 0.42 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक नॉर्थ वेस्ट हिमालय का हिस्सा है, एक नॉर्थ ईस्ट हिमालय का हिस्सा है और वेस्टर्न घाट्स और कोंकण हिल्स का हिस्सा है। तो यहाँ ही खास तौर से लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो ये सब था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। अब आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। तो प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है लैंडस्लाइड या लैंडस्लिप के बारे में, इसके कारण क्या होते हैं, क्या फैक्टर्स की वजह से ये होता है, तो इस पर हमें क्लैरिटी से पता होना चाहिए। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था और इसका मेन पर्पज फॉर्मेशन के समय क्या था। और एक सवाल आपसे नेशनल लैंडस्लाइड मैपिंग प्रोग्राम के बारे में भी पूछा जा सकता है कि ये किस एजेंसी के अंतर्गत है, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत है और कब लॉन्च हुआ था, तो 2014 में। एराविकुलम नेशनल पार्क ये भी चर्चा में है क्योंकि जो लैंडस्लाइड की घटना हुई है केरल में वो इसके पास हुई है। तो नीलगिरी थार के ऊपर भी सवाल पूछा जा सकता है, नील कुरंजी के ऊपर भी सवाल हो सकता है, शोला ग्रासलैंड्स जो कि वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं इनके ऊपर भी सवाल पूछा जा सकता है। अगर मेंस की बात की जाए तो सीधा क्वेश्चन आपसे लैंडस्लिप्स के बारे में पूछा जा सकता है कि क्या वजह है कि लैंडस्लिप होता है और क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं इसको रोकने के लिए। क्लाइमेट चेंज से संबंधित सवाल भी पूछा जा सकता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं कि बहुत कम समय में भारी वर्षा का होना इत्यादि, तो इसकी वजह से जो नेचुरल डिजास्टर्स की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है तो उससे कैसे निपटा जा सकता है, तो हमें ऐसे प्रश्नों पर तैयार होना चाहिए।
तो ये सब था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।